इस चैप्टर में एक पोर्शन हट गया है, लेकिन मैं फिर से उस आप लोग का ध्यान वहां पर ले जाऊंगा, क्योंकि ये मतलब हटा हुआ पोर्शन है, लेकिन फिर भी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग चीज है, हिमालयन यव के बारे में है। यव जो है वो एक प्रकार के चीड़ के वृक्ष होते हैं, जो कि चीड़ कैसा होता है वो भी देख लो, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, जिसमें अजीब टाइप से जैसे अनानास होता है ना, वैसे उस शेप में एक लकड़ी का फल फल निकलता है, तो उसको चीड़ का वृक्ष बोलते हैं, और वो पहाड़ों पे ज्यादातर दिखाई देते हैं। मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको आपने भी देखे होंगे पक्का है, अगर पहाड़ों पे गए होंगे तो बिल्कुल देखे होंगे। अपने यहाँ लोकल एरिया में चीड़ बहुत कम देखने को मिलता है, नेट का इशू है। ये देखो, इस प्रकार के चीड़ के वृक्ष होते हैं, ऐसे फल लगते हैं, फल नहीं है ये, पता नहीं क्या रहते हैं, इस टाइप के रहते हैं लंबे से, और पत्ते अलग अलग हो सकते हैं, इस प्रकार के पत्ते भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार होती है चीड़ की, तो ये पहाड़ी एरिया में लगते हैं और लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ये आपने मूवीज वगैरह में जरूर देखे होंगे, पहाड़ों पे ही सबसे ज्यादा होते हैं चीड़ के वृक्ष, और इस पे ऐसे ऐसे फल, ये फल नहीं है, खाते नहीं है इसको, लकड़ी का ये शेप रहता है, पता नहीं क्या रहता है ये, फ्रूटी है वो, देखो फ्रूटी लिखा हुआ है, सूख जा रहा है तो शायद ऐसा दिख रहा है, पाइन नट्स हैं, इसमें से नट्स निकलते होंगे, मैंने तो देखा है, मैंने मेरे घर पे सब लोग बहुत सारे हम लोग बहुत सारे लोग पहाड़ी यात्रा कर चुके, कोई केदारनाथ गया है, कोई उत्तराखंड गया है, कोई अलग अलग जगह गए, तो वहां पर सब लोग को, क्योंकि वो दिखता है इतना सुंदर है, अपने होता नहीं, तो वो सब लोग उसको लेके आ जाते हैं फल को, कि ऐसा दिखता है। खैर मेरे यहाँ बहुत पुराना था, पता नहीं अभी रखा है, तो बात ये नहीं है, बात ये चीड़, चीड़ का वृक्ष एक हिमाचल में हिमालय क्षेत्र में एक चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। चीड़ एक प्रकार की सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष वो होते हैं जो पूरे मौसम में पत्ती में बनी रहती है, पतझड़ में झड़ते नहीं, लगातार वो बने रहते हैं, सदाबहार वृक्ष है। और अच्छी बात या फिर जीके वाली बात ये, इसमें से एक इसकी जड़ों से टक्सोल नामक केमिकल निकलता है, उस केमिकल का उपचार कैंसर के कुछ रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो कैंसर एक मालूम है आप सभी को, बहुत खतरनाक बीमारी है, अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है, और क्यों खतरनाक है, क्योंकि कैंसर में जो है हमारी बॉडी में कुछ कैंसर की सेल डेवलप हो जाती है, कैंसर की कोशिका, और वो कोशिकाएं जो है खुद को बढ़ाती जाती हैं, और हमारी कोशिकाएं वो हमसे बनी है, हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और वही कोशिका हमारी जो हमारी कोशिकाओं से बनी है, और वो हमारी कोशिकाओं को मारने लगती है, अच्छी कोशिकाओं को, वो कैंसर सेल हमारी बॉडी में डेवलप होती है, और फिर वो हमारी सेल को ही मारने लगती है, और इसी कारण से उसका जो है उसका अभी तक टीका नहीं बन पाया है, क्योंकि आपकी सेल से ही वो बॉडी बनी है, वो बनी है ना कैंसर सेल, तो उसको मारने के लिए अगर दिया जाएगा तो आपके जो मतलब मारने के लिए केमिकल जो भी आपको एंटीबॉडीज दी जाएगी वो आपकी अच्छी सेल्स को भी असर करेगी, इसी कारण से उसका टीका वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत जा रही है कैंसर के, अभी तक कोई टीका कुछ बने हैं अभी पहले उसमें है, मतलब टेस्टिंग के दौर से गुजर रहे हैं वो, तो कैंसर बहुत अभी लाइलाज बीमारी जैसी है, तो उसके इलाज के लिए कुछ रोगों कैंसर के कुछ रोग कैंसर रोगों के कुछ उपचार के लिए मतलब उपचार के लिए ट्रीटमेंट के लिए टक्सोल नामक केमिकल जो है वो इन चीड़ के हिमालयन यव से ही निकाला जाता है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात थी, हट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके बारे में बताया नहीं, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जरूरी बात है, वन और खनिज से जुड़े हुए चैप्टर में ही, वन संपदा से जुड़े हुए चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए एसएस जीके के क्वेश्चन पे कि हिमालयन यम से टक्सोल नामक केमिकल निकलता है जिसका उपचार कैंसर के इलाज में किया जाता है ना, इसलिए मैंने सोचा बता दूं एक बार। यहाँ पर आदिवासी युक्तियां बांस की पौधे लगाते हुए, बांस की पौधे लगा रहे हैं, और यहाँ पर आदिवासी लोग जो है आप लोगों में से बहुत सारे लोग पता नहीं देखा होगा आपने, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं आदिवासी, वो इस तरह से जो है वो अपने जीवन यापन के लिए पेड़ों से अलग अलग चीजें निकालते हैं, कुछ पत्तियां निकालते हैं, कुछ लकड़ियां निकालते हैं, लकड़ियां ले जाते हुए आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जंगली उत्पादों को बेच रहे हैं, तो अभी एक आपने सुना होगा भोपाल में लाल परेड मैदान में एक मेला लगा था, वन मेला, तो उस वन मेला में तरह तरह की औषधियां लेकर आते हैं आदिवासी लोग, आदिवासी भी आते हैं कई जो है वो जाने माने आयुर्वेद में जो शिक्षा लिए रहते हैं वो लोग भी वहां पर आते हैं और बताते हैं बाकायदा साइंटिफिक रीजन के, तो वो बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिलता है, हर साल लगता है वो, और एक बच्चे का नाम जैकी दिखा रहा है और उसकी रिक्वेस्ट आई है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी आपका पहचान का मित्र दोस्त वगैरह है
रियल नाम से आओ तो ही मैं क्लास में आने दूंगा, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी मैं इंटर नहीं करने दूंगा आपको क्लास में, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, रियल नाम से आओ या फिर आते से अपना नाम बता दो, नाम चेंज नहीं करते बन रहा है तो तब तो मैं क्लास में रखूंगा, नहीं तो मैं उल्ट उल्ट पटांग किसी को भी एंट्रेंस नहीं दे सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कुछ। यहाँ पर क्रिश है, उससे बोलो मैं नाम सही लिख कर आया, मैं इंटर करने दूंगा। क्या दिक्कत है रियल नाम रखने में? कल अपन ने इस पे बात करी थी कि भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय करे हैं 1970 और 60 के दशक में, वन और वन्य जीवन रक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, इसके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। एक बहुत फेमस गेंडा हाथी कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा हाथी संरक्षित प्रजाति है और ये लगाया गया है। उसके बाद बाघ परियोजना पे कल बात करी थी अपन ने कि बाघ परियोजना भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है वो चल रही है। उसके बाद ये वाला एरिया हालांकि काटा हुआ है 21 नंबर पेज, लेकिन आपको सही जोड़ी में दिखेगा ये आरक्षित वन कौन से हैं, रक्षित वन कौन से हैं और अवर्गीकृत वन कौन से। तो हमारे यहाँ जितनी भी वन संपदा है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि आरक्षित और रक्षित एक जैसा समझ में आता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो आधे से अधिक वन आरक्षित घोषित किए गए हैं यहाँ पर। जहां तक वन और वन प्राणी के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा मूल्यवान है हमारे लिए। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, 50% तो आरक्षित है, 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि सरकार की व्यक्ति निविदा के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत कहना। दो तीन प्रकार की बांटा हुआ है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित 50% है, बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसको जो है वो जो है सरकार उसमें रक्षित उसमें मतलब उसका संरक्षण करती है। रक्षित वन 1/3 है टोटल वन वन का, और उसको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के स्थायी वनों के अंतर्गत इसमें मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि इसके जहां तक है इसमें आती है सही जोड़ी, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये सही जोड़ी आती है इसमें अभ्यास में। तो आरक्षित वन वो है सर्वाधिक मूल्यवान वन, वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, रक्षित वन जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है, अवर्गीकृत वन। तो अगर इसको मैं हाँ मोटा माटी बात बोलूँ ना, तो आरक्षित वन जितना भी एरिया है ना उसको सरकार ने मतलब वहां पर कुछ भी नहीं करने देते, ना वहां पर से आप लकड़ी तोड़ सकते हो ना कुछ। लेकिन रक्षित वन में थोड़े से कानून ढीले रहते हैं, वहां पर आदिवासी लोगों को लकड़ी वगैरह उनका जो जीवन यापन चल रहा है ना उस वन से, वो थोड़े बहुत नियम कानून थोड़े से इसमें लूज रखे जाते हैं रक्षित वन में। आरक्षित वन में थोड़े से नियम कानून टफ रहते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते आप औद्योगिक चीज, रक्षित वन में थोड़ा सा कर सकते हो, वो भी है एक फैक्ट। उसके बाद यदि हम बात करें समुदाय वन संरक्षण, तो यही पोर्शन बचा हुआ है आपका।
तो कल मैंने बताया था झुरमुट क्या होते हैं, पवित्र पेड़ होते हैं जिनकी पूजा जो है वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें हो गया था। अच्छा, मैंने आज बोला था कि आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। यहाँ पर बीच बचाव आंदोलन कल बता दिया था, चिपको आंदोलन मैंने बता दिया था, लास्ट में गौतम बुद्ध की बात करी थी। नेट के कारण से इशू होगा क्रिश, नेट सही करो तो वो हो जाएगा। आवाज, मेरी आवाज और अच्छा, ज्वाइन नहीं करा आपने इसने। मेरी आवाज जाएगी नहीं उस तक। ज्वाइन ऑडियो का तो वो पहला ही कॉन्सेप्ट है भाई, जूम जैसे ज्वाइन करो आप, ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करो तभी आपको आवाज आती है, नहीं तो आवाज नहीं आती, सिंपल सी बात है। हाँ, रीति रिवाजों पर निबंध लिखने को आ सकता है, परीक्षा अध्ययन में ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। और अगर आपको रीति रिवाजों पर अगर आपको लिखना है तो ये वाला आएगा उसमें, इससे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जो भारतीय समाज है वो लगातार हमारे रीति रिवाजों में शामिल है। आदिवासी जनजाति के बारे में लिखना पड़ेगा कि झारखंड में जो है कई आदिवासी जनजाति झुरमुट के रूप में पेड़ों को चाहती है और उनको देवी देवता मानती है, उनको पूजती है, उसके कारण से क्या होता है, उनका संरक्षण होता है, वो बचे रहते हैं लंबी अवधि तक, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ये भी लिखना पड़ेगा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां आदिवासियों की जो है वो महुआ और कदम की पूजा करते हैं, ओडिशा और बिहार की जनजाति शादी में दौरान इमली और आम, ये आपको लिखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आपने जो कॉपी में आंसर लिखा है वो थोड़ा सा मुझे अप टू मार्क नहीं लगता है, तो एक बार उसको आप इस नजरिए से देखना। उसमें भारतीय रीति रिवाजों के बारे में पूछा है जिसके कारण से वन संपदा हमारी बच रही है, तो वो ये आंसर इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि झुरमुट के रूप में हमारे यहाँ जो है वो देवी देवता के रूप में पेड़ को पूजा जाता है, झारखंड में संथाल और मुंडा जाति, मुंडा और संथाल जातियां जो है महुआ और कदम को पूजती हैं, ओडिशा बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करती हैं, और हम लोगों में से कई लोग जो है वो पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। उसके बाद भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं जो संस्कृति प्रकृति गति को संतुलित करने के लिए पारंपरिक तरीके आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चोटियों और पेड़ों के परिमाण को संरक्षण किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसे रिविएट कर रहा हूँ, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है परीक्षा बोर्ड में अध्ययन में कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछो ताकि मैं उसको कर सकूं। और मैं अब फिर से जा रहा हूं, इंग्लिश का एक पेपर उठा रहा हूं ताकि डुअर्स डायरेक्टेड कर सके अपन पुराने पेपर के। आप पूछ सकते हो इस बीच अगर कुछ क्वेश्चन है इसमें वन और वन संपदा में, है ना। मेरे को जितना बताना था मैं सब चीजें शेयर कर चुका हूँ छोटी छोटी बातों में। एमपीपीएससी फिजिक्स वाला मुझे इंग्लिश जनरल चाहिए है और ये मुझे स्पेशल देंगे। चलो देखते हैं, 2015 का पेपर स्पेशल मिलता है कि जनरल। इंग्लिश जनरल, अच्छा डाउनलोड करने के लिंक नहीं है, बहुत बढ़िया। एडवर्टाइज करने के लिए क्या क्या करोगे भाई। फिजिक्स वाला की साइट पर है, फिजिक्स वाला
सेक्शन सी कहाँ है? सेक्शन ए। अब तो ऑब्जेक्टिव ही आना है केवल पहले और दूसरे से, तो इसके ये तो वेस्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन देख लो सेक्शन बी। यू आर लोकेश पटेल स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी की एप्लीकेशन आई है। अथवा में हमेशा आपको एक पहला फॉर्मल लेटर मिलेगा, दूसरा इनफॉर्मल लेटर मिलेगा, तो हमेशा ही मिलेगा ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। दूसरे में आपको मिल रहा है यू आर हर्ष गुप्ता रिसाइडिंग इन 15133 चुनार चौराई रोड अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। राइट अ लेटर टू योर फोन फ्रेंड पुष्पेंद्र टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। तो अपने दोस्त को पुष्पेंद्र को लेटर लिखना है, आप हर्ष गुप्ता हो और उसकी 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज बने, उसको लिखना है। तो ये इनफॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है टीसी के लिए, तो आपको पता है कैसे लिखना है। इस पे जो है वो नोट्स और समरी आए थे पैसेज पे सेक्शन। भैया विश्व आदि बोधक का क्या हुआ? देखता हूँ गूगल पे सर्च करें यदि, तो ये तो बहुत बेसिक इस पे आती हैं। गूगल पे जो इमेजेस आती हैं मुझे इस पे भरोसा नहीं होता, इस पे तो नहीं लगा हुआ है कहीं पर भी। मत लिखिएगा आप, मुझे नहीं लगता है। मैंने सुनिए तो मैंने ना तीन एप्लीकेशन देखी थी अध्ययन में नहीं बोध में, तो उसमें तो लगा तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है वो। एक तो इसमें धन्यवाद ही नहीं लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसमें तो इन्होंने जो कंप्यूटर से टाइप्ड है इसमें तो इन्होंने धन्यवाद ही नहीं प्रेषित किया है। धन्यवाद सहित विनीत, इन्होंने कॉमा लगा दिया। हाथ से लिखी वाली देखें। सदा आभारी रहूंगा आपका कार्य करिश्री राजेश रावत, इन्होंने धन्यवाद ही नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, मैं आपका आभारी रहूंगा आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लिखो ही मत जब वो है तो बंद करने की कृपा करें, मत पढ़ो इस चक्कर में। छोटा सा बात, छोटी सी बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। आप मत लिखो उसमें पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह, कुछ भी मत लगाओ। तो कोई वो नहीं है कि भाई मैं कहाँ किस चीज को लीगल मानू, सरकार किसको मान रही है, किस फॉर्मेट को मान रही है। सब अपना, यूट्यूब पे देखो फॉर्मेट, सब अपना अपना चला रहे हैं, वो तो कोई है नहीं। छोटी सी बात है यार, मेरे को नहीं लगता उसपे नंबर कटते होंगे। आप धन्यवाद प्रेषित करो बस, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह मत लगाओ। विस्मयादि बोधक चिन्ह तो तभी लगाते हैं जब कोई, तब वैसा बोलते हैं आह या बहुत खूबसूरत है, जब तब लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का तो नाम ही नहीं लगना चाहिए वहां, विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। किसी ने लगा दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां नहीं आना चाहिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, फुल स्टॉप आ सकता है। नहीं तो आप नॉर्मली अभी कुछ नहीं लगा रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना, धन्यवाद प्रेषित करो, खत्म करो उसको, है ना। इन्वर्टेड कॉमा में लगाने की जरूरत नहीं, मत फंसो उस पर, उसमें ये बिल्कुल सही वो है फॉर्मेट इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, धन्यवाद लिखा हुआ है बस, खाली आपकी अति कृपा होगी, फुल स्टॉप लगाओ, धन्यवाद प्रेषित करो, खत्म। सब बिल्कुल सही है, ऐसे जैसे धन्यवाद सहित लिखा हुआ है, कुछ नहीं, आपका आज्ञाकारी अंकुर जैन, तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। आप धन्यवाद प्रेषित करो, कुछ नहीं लगाओ, ना फिर इसमें आदि बोधक लगाओ, ना पूर्ण विराम लगाओ, कुछ मत लगाओ। मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था, सो ही ब्लैंक टू बेड अर्ली। क्या है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज करना है। एक वर्ब फॉर्म दी हुई है उसकी सही फॉर्म का यूज करके हमको जो है इसको फिलअप करना है। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, वर्ब की सही फॉर्म गो गो वेंट गॉन हो जाएगा, ही वेंट टू बेड अर्ली।
क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है, सो इसमें सो ही वेंट टू बेड अर्ली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस पे सेकेंड फॉर्म आती है। वेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड बिगिन लिखा हुआ है, बिगिन वेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड, पास्ट में ही बात हो रही है इसमें भी, पास्ट में फिर से सेकेंड फॉर्म आएगी, तो बिगन की जो सेकेंड फॉर्म आती है बिगन हो जाती है, BEGUN, बिगन बिगिन बिगन बिगन, थर्ड फॉर्म में बिगन रहती है, तो BEGUN हो जाएगी। उम्मीद है अगर मेरे को आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तुरंत टोक देना कि भाई इसमें डाउट है, सर्च करो, क्लियर करो, है ना। तो मेरे सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि वी वेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड ऑलरेडी बिगन, बिगन आएगा, बिगिन लिखा हुआ, बिगिन फर्स्ट फॉर्म में बिगन हो जाएगा इसका। मालिनी फेल्ट टायर्ड, इसमें फिर से फेल्ट टायर्ड, फेल्ट लिखा हुआ है मतलब उसको थकान महसूस हुई। शी ब्लैंक इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, मालिनी फेल्ट टायर्ड, तो फेल्ट सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो फिर से यहाँ पर जो है पास्ट में बात हो रही, शी स्विम इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, पॉन्ड मतलब तालाब में, वो सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग वो सुबह से तालाब में तैर रही थी, तो स्विम का तो यार स्विम, स्विम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब फॉर्म ऑफ स्विम, सेकेंड फॉर्म आएगी स्विम, स्विम इज अ इरेगुलर वर्ब, स्वैम इज द पास्ट टेंस ऑफ स्विम, वाइल सम इज अ पास्ट पार्टिसिपल। इसका सिंपल आंसर नहीं होगा, मालिनी लेफ्ट टायर्ड, टायर्ड का सी सी स्विम इन द पॉन्ड इन मॉर्निंग, यार इसमें बिना वाज वर्ग के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड इन मॉर्निंग, ऐसा हो सकता था। अब इन्होंने जो है वो ऐसा लिखा हुआ है कि केवल एक वर्ब की फॉर्म का यूज करके लिखना है, तो मालिनी फेल्ट टायर्ड, इसमें जो रियल मतलब अगर केवल एक इसको नहीं स्विम को देख कर नहीं हो तो इस तरह से सुधार सकते थे हम, मालिनी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, ये सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता सेंटेंस। अब इन्होंने बोला है कि केवल यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, स्विम का यूज करके बनाना है सेंटेंस, तो स्विम का तो भाई सेकेंड रेगुलर वर्ब फॉर्म होती नहीं, मालिनी फेल्ट टायर्ड, सर्च करके देख लेते हैं सेंटेंस, हो सकता मिल जाए, मालिनी मालिनी फेल्ट टायर्ड, कहीं ना कहीं आंसर होगा, मालिनी फेल्ट टायर्ड Has been swimming लिखा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, या तो आपको वो लिखना पड़ेगा आगे, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, केवल वर्ब की फॉर्म से जो है वो हम सही नहीं कर सकते। मालिनी फेल्ट टायर्ड शी वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, ये आपने क्या बोला, Has been swimming. हैज बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, हैज बीन स्विमिंग शी इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, ममता फेल्ट टायर्ड शी हैड बीन इन द, नाम चेंज कर दिया बस, इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, क्या ये दसवां आंसर है, लॉग इन करवाएगा, तो आएगा शी हैड बीन, हैज बीन आएगा क्योंकि फेल्ट टायर्ड है ना, पास्ट में है, तो शी हैड बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन स्विमिंग
स्विमिंग भी आना चाहिए फिर तो हेडबिन में। पूरा पूरा भाग क्यों नहीं लिखा भाई? हैज बीन स्विमिंग। मालिनी फेल्ट टायर्ड, शी हैज बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक, हैज बीन स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ही शी हैज बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि केवल वर्ब की सही फॉर्म करके लिखना है, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, मतलब सेंटेंस करेक्ट करना है, सीधी सी बात है। मालिनी फेल टायर्ड, शी हैज बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। ब्लैंक द न्यूज, ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। रीड और रीडिंग, रीडिंग द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अच्छा, इसके आंसर्स नीचे ही लिखे हुए हैं। How the hell it is possible? क्वेश्चन पेपर में अच्छा फिजिक्स वाला ने सॉल्व करके दिए हैं क्या? मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया था, क्वेश्चन पेपर में आंसर नीचे लिखे हुए हैं। रीडिंग द न्यूज ही फेल डिसअपॉइंटेड। दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू कैन लिफ्ट इट। कुड नहीं आएगा, कैन आएगा। I used to swim in the river when I was young. Swim or swimming, तो swim आ जाएगा। हे भगवान, खुद ही ने आंसर लिख के दे दिए नीचे, तो इसमें भी लिखे हुए हैं फिर तो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। He is an honest man. तो honest के साथ n लगता है, पता नहीं कितने सालों से घसीट रहे हैं honest वाला sentence. The student said, Sir, may I drink water, some water? तो may I लगता है, आपको पता है, मैं लगता है सर, टीचर से बात करते हैं तो। He was absent because he was sick. While नहीं, because he was sick, क्योंकि वो बुखार से पीड़ित था। You have to wait until the signal is green. जाहिर सी बात है, until आएगा। Distribute the money. दो लोग है ना, दो लोग में among या between बहुत बार आ रहा है यार, आप लोगों ने भी गौर किया होगा ये। Among बहुत सारों में between Ram and Mohan. तो between Ram and Mohan. He has been waiting for the bus since morning. वो सुबह से बस का इंतजार कर रहा था। For limited time period के लिए होता है। मोहन मेट हिज फ्रेंड वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। मोहन मेट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिला जब वो छुट्टी पर था, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। चलो खत्म, इसमें तो नहीं लिखे आंसर। चलो एनी फाइव डूअर्स डायरेक्टेड चेंज इन टू इंटरोगेटिव। भाई इसमें कुछ बन जाएंगे, में से नरेशन वाले नहीं बनेंगे, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। चेंज इन टू इंटरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन में चेंज करना है। दे प्ले क्रिकेट इन इन द प्ले ग्राउंड। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, उन्होंने क्रिकेट प्ले ग्राउंड में खेला, प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेला। तो क्वेश्चन बन जाएगा, उन्होंने क्रिकेट कहाँ खेला, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन बन जाएगा, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा इसमें। I do my homework. Negative. I do not do my homework. I don't do my homework. मैं अपना काम नहीं करता हूँ। I do not do my homework. Do दो बार हो जाएगा। Don't जो है वो negative के लिए use होगा, और do मतलब do not do my homework. मैं अपना homework नहीं करता हूँ। My father went to Bhopal yesterday. मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाना। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, वेयर डिड माई फादर वेंट यस्टरडे, वेयर डिड माई फादर वेंट यस्टरडे, मेरे पापा कल कहाँ गए थे। देखो मालूम होगा तेरे पापा है। वेयर डिड माई फादर वेंट यस्टरडे, इट इज रेनिंग, चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट ना, तो has और have लगता है, present perfect continuous में been लगता है। it has raining हो जाएगा, it के साथ has या have, it के साथ has ही लगेगा, it has raining,
परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, इट हैज रेनिंग, हैज लगता है ना परफेक्ट में, मुस्कान नहीं है क्या? परफेक्ट में कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब? कंटिन्यूअस होता तो बीन लगता है ना, इट के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा। लगेगा। हाँ तो इट हैज रेनिंग। रीअरेंज करना है, उठपटांग जंबल वर्ड दिए हुए इधर उधर, रीअरेंज वर्ड टू मीनिंगफुल सेंटेंस। द वॉन हैव वी मैच, वी हैव वॉन दी मैच, वी हैव वॉन दी मैच, रीअरेंज करना है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक, कंबाइंड अबव सेंटेंस यूजिंग सो डेड। माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। मेरी मेरी दादी बहुत ज्यादा वीक है, सो दैट माई ग्रैंड मदर इज सो वीक शी कैन, सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट, कंबाइन द अबव सेंटेंस यूजिंग विच, विच का यूज करके कंबाइन करना। द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट, द पॉट कंटेन्ड अ 1000 गोल्ड मुहर। दो दोस्तों ने एक पॉट फाइंड किया, द पॉट कंटेन अ 1000 गोल्ड मुहर, और पॉट में जो है वो हजारों गोल्ड मुहरें थी। कंबाइन द अबव सेंटेंस यूजिंग विच, द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट विच कंटेन्ड अ 1000 गोल्ड मुहर। पहला वैसा का वैसा जाएगा, द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट विच कंटेन्ड अ 1000 गोल्ड मुहर, द पॉट हट जाएगा, दूसरी बार नहीं लिखना है। द टू फ्रेंड्स फाउंड अ पॉट विच कंटेन्ड अ 1000 गोल्ड मुहर। अगला, वर्षा हो चुकी थी, हो चुकी थी, इट हैड हो चुकी थी, हो रही है, हो रही थी भी नहीं है, हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी, वे सुबह से नदी, इट हैड रेन्ड आना, लिख लो ये सेंटेंस, वर्षा हो चुकी थी, क्योंकि वर्षा हो रही है तो बहुत बार आया इट इज रेनिंग करते रहते हैं उसको, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड आना चाहिए, वर्षा हो चुकी थी। चूक की लिख दिया, चुके थे। अच्छा ट्रांसलेशन ही तो कर रहे हैं, वर्षा हो चुकी थी। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो चुकी थी, इट वॉज रेनिंग, नहीं यार चुका है, चुकी है, मैं तो परफेक्ट में जाना, हो चुकी थी, सब हो, वर्षा हो चुकी थी, आंसर लिखे ही नहीं किसी ने। इट हैड रेंड, सही है, इट हैड रेंड, इट हैड रेंड, गूगल ने सही बताया है, इट हैड रेंड, वर्षा हो चुकी थी, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, दे आर स्विमिंग, दे तैर रहे हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, दे आर तैरना मतलब स्विम करना, कर रहे हैं इसलिए आईएनजी लग जाएगा, दे आर स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, वह मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। दादी माँ कहानी सुना रही थी, दादी माँ वॉज, वॉज टेलिंग अ स्टोरी, दादी माँ वॉज टेलिंग अ स्टोरी। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वह अपना गृहकार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज होमवर्क,
होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो ये सेक्शन सी था एक चैप्टर का, देख लिया अपन ने। उम्मीद है कुछ नया क्वेश्चन आए होंगे, क्वेश्चन आना जरूरी है, कंफर्म करो, लिख लो, डाउट पूछो टीचर से, अगर किसी भी चीज में डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो टीचर से कंफर्म करो डाउट को, किसी भी सेंटेंस में डाउट हो, कुछ में भी डाउट हो पूछो, है ना। ये केवल इसलिए सेशन रख रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हो सके सेक्शन सी के अपन ऑनलाइन कर सके। चलो, इसका उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका भी ले लिया होगा। चलो एक सेक्शन और करते हैं, फिर से ज्वाइन करो एक बार फटाफट। सेक्शन सी एक और है, ये वाला भी है। ठीक, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट। इंग्लिश खत्म करते हैं, साइंस और सोशल देखते हैं।